हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 15 इंग्लिश क्वेश्चन सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो क्लास हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। और ये सारे ही क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल 2018 और एसएससी के दूसरे सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए, इसमें पहला जो इडियम है, यहाँ पर इडियम पूछा गया है, ठीक है। और इडियम और फ्रेजेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी में। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इडियम के। तो इन द बैग, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर रेड लेटर में ये क्वेश्चन दिया गया है, इन द बैग। और चार ऑप्शन है आपके पास, टू बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रुथ, सेट ऑफ टेक्निक एंड मेथड्स, बी एन्जॉयबल और एंटरटेनिंग, अश्यूर्ड ऑफ अ सक्सेसफुल आउटकम। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, एसएससी के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी वोकेबलरी और आपका कॉम्प्रिहेंसन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंसन अच्छा नहीं है तो जो ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि एसएससी ऑप्शंस को चेंज कर करके बार बार देता है, तो आप ऑप्शन का मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे और आंसर आते हुए भी उस आंसर को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन द बैग, जैसे यदि मैं बोलूं कि ये चीज़ तो मेरे बैग में रखी हुई है, कि यदि मैं कहीं पर पैसा लगाऊं, इन्वेस्ट करूं और मैं बोलूं कि 10% रिटर्न तो मेरे बैग में रखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि मैं एश्योर्ड हूं कि उतना रिटर्न मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं श्योर हूं कि किसी चीज़ का इतना रिटर्न या इतना सक्सेसफुल आउटकम मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटकम का अर्थ होता है रिजल्ट और सक्सेसफुल का मतलब होता है कि सफल तरीके से, एश्योर्ड का मतलब निश्चित तरीके से। तो इन द बैग का जो सही आंसर होगा वो होगा एश्यूर्ड ऑफ अ सक्सेसफुल आउटकम, ये इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखने से पहले मैं इस ऑफर के बारे में बता देता हूँ। इस ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया है स्टूडेंट की डिमांड पर, और बैंक पीओ का हमारा जो बैंक प्रो के नाम से एक ई कोर्स है उसको, और एसएससी का हमारा जो ई कोर्स है, इन सभी कोर्सेज को आप 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ई कोर्स को केवल 1450 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा जीके और इंग्लिश सेक्शन रहेगा, जीके और इंग्लिश के वीडियो क्लासेस भी रहेंगे और पीडीएफ भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्री पीडीएफ एंड ई बुक्स, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है, 24/7 डाउट क्लियरिंग रहता है इसमें, इसको आप मोबाइल पर चला सकते हैं, सिंपल बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन रहता है। तो इसको, इस कोर्स के यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस नंबर पर भी इन कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द वैगन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑन द वैगन, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के, इस इडियम को देख के इसका क्या अर्थ निकलेगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक्चुअली एक वाटर वैगन होता है, एक पानी की गाड़ी होती है जिसमें एक पाइप लगा रहता है और जिससे सड़कों पर छिड़काव किया जाता है ताकि जो धूल होती है वो वहाँ से ना निकले और दब जाए वो धूल। तो वहीं से ये एक्चुअली इडियम निकला है, ऑन द वाटर वैगन से ही ये इडियम निकला है। तो ऑन द वाटर, ऑन द वैगन का अर्थ होता है कि जैसे एक वैगन होता है वाटर वैगन, उसमें से हम पानी छिड़कते हैं ताकि मिट्टी को रोक सके, मिट्टी ना ओढ़े, मिट्टी को हम रोक सकें, ठीक है। तो वहीं से ये इडियम निकला है और इसका अर्थ होता है एब्स्टेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहलिक बीवरेज, एल्कोहल पीने से बचना या उससे परहेज करना, ठीक है। तो प्रिवेंट के सेंस में इसका यूज़ होता है, ऑन द वैगन का, एब्स्टेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहलिक बीवरेज, ठीक है। और यदि आप फॉल ऑफ द वैगन भी एक इडियम होता है, फॉल ऑफ द वैगन, तो इसका मतलब होगा कि फिर से शराब पीना या एल्कोहलिक ड्रिंक को पीना शुरू कर देना। तो ऑन द वैगन और ऑफ द वैगन ये दो होते हैं। ऑन द वैगन का अर्थ होता है एब्स्टेनिंग और ऑफ द वैगन का अर्थ होता है फिर से उसको शुरू कर देना। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, अंडर द वायर। ये भी एक ऐसा इडियम है जिसको देख के आप इसका सही मीनिंग नहीं पता लगा सकते, और इस तरह के इडियम काफ़ी कॉमन है एसएससी एग्जाम में। तो इसका हम देखते हैं अंडर द वायर का क्या मतलब है। अंडर द वायर का अर्थ होता है जैसे जैसे कहीं पर कोई काम हो रहा है और आप उस सेमिनार में या उस इवेंट में या एकदम लास्ट मिनट में पहुंचते हैं, ठीक है, जिसको हम एट द 11th आवर भी बोलते हैं, तो वही इसका मतलब होता है अंडर द वायर का। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा एट द वेरी लास्ट मिनट, एट द वेरी लास्ट मिनट अंडर द वायर का मतलब होगा, तो इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फॉर कीप्स। फॉर कीप्स का क्या मतलब है? टेम्परेरली, परमानेंटली, परफेक्टली एंड प्रैक्टिकली। ठीक है, जैसे इट इज फॉर द कीप्स, और फॉर फॉर गुड भी होता है एक्चुअली। फॉर कीप्स और फॉर गुड, इन दोनों का ही मतलब होता है परमानेंटली। तो यहां पर इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, पाइप डाउन। क्या मतलब है इसका? इसके इसको देख के भी आप इसके सही मीनिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते। पाइप डाउन का अर्थ होता है जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति को डांटते हैं तो उसको हम शटअप बोलते हैं। तो शटअप का इक्विवेलेंट है एक्चुअली ये पाइप डाउन। तो इसका सही मीनिंग यहां पर होगा स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ये हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको हम देखते हैं, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। द वर्ड डिसेनिया, एक वर्ड होता है डिसेनिया, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है डिसेनिया। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन वेकिंग अप एंड गेटिंग आउट ऑफ बेड। मतलब बिस्तर से उठने में परेशानी होना, उसको हम बोलते हैं डिसेनिया। ठीक है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन वेकिंग अप एंड गेटिंग आउट ऑफ बेड। एंड क्लिनोमेनिया क्या होता है? क्लिनोमेनिया का अर्थ है ऑब्सेसिव डिजायर टू लाई डाउन। ठीक है, हमेशा बिस्तर में लेटे रहना। तो एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, इसका सही आंसर होगा क्लिनोमेनिया। और एक वर्ड मैंने और बताया है यहाँ पर आपको, डिसेनिया, जिसका मतलब होगा एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन वेकिंग अप एंड गेटिंग आउट ऑफ बेड। ये ऑफर अभी चल रहा है, इसमें 6 ऑसम ई बुक्स आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है ये बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए। इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से भाग के किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है इलीगली, सपोज यहाँ से भाग के कोई इंग्लैंड चला जाता है, तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उसको वापस फिर इंग्लैंड से इंडिया में भेजेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपैट्रिएट। रीपैट्रिएट ये वर्ड है, एक जगह से जाना और वहाँ से फिर वापस आना। ठीक है, तो उसमें दो बार काम होता है, और जब दो बार कोई काम होता है तो उसमें हम री वर्ड का यूज़ करते हैं। तो रीपैट्रिएट इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। एक्सटर्पेट का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय करना, और इसका अर्थ होता है जब्त कर लेना किसी चीज़ को। एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट। एक्साइल का अर्थ होता है बनवास। ठीक है, तो रीपैट्रिएट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, रीपैट्रिएट इसको हम बोलेंगे। मेक समथिंग लेस सीवियर, मतलब किसी चीज को, जैसे सीवियर का अर्थ होता है कोई चीज बहुत ज़्यादा कठोर है या पेनफुल है, जैसे सीवियर पनिशमेंट होता है। ठीक है, कड़ी सजा। तो सीवियर का अर्थ होता है कड़ा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर है या कड़ी है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर। ठीक है, अब आप उस चीज़ को थोड़ा सा कम सीवियर कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो एग्रावेशन का अर्थ क्या होता है? एग्रावेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ को बद से बदतर कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, कोई चीज़ बुरी है और बुरे से भी ज़्यादा उसको बदतर कर देना, उसको हम बोलेंगे एग्रावेशन। मीडिएशन मतलब बीच बचाव करना। ठीक है, रिडक्शन मतलब कमी करना। तो पैलिएशन इसमें सही आंसर होगा। पैलिएटिव एक थेरेपी भी होती है, पैलिएटिव थेरेपी। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कैंसर है या टीबी है तो उसकी तकलीफ को कम करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो होगा वो होगा पैलिएशन, ये इसका सही इसका आंसर होगा। हालांकि ये मेडिकल का टर्म है लेकिन इस तरह के वर्ड्स भी पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी आर्ट को, किसी भी स्टडी को, किसी भी काम को कमिटमेंट के साथ नहीं करता, उसको कैजुअली करता है, एज ए अमेच्योर करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, डिलीजेंट का मतलब तो मेहनती होता है, डिलीबरेट का मतलब जानबूझ के, डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा सा क्लोज है, डिस्ट्रैक्टेड मतलब जो 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 भटका हुआ है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन हु डज और स्टडी विदाउट सीरियसनेस और कमिटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा डिलेटांते। डिलेटांते इसका सही आंसर आपका होगा। इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आ लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अपलोडिंग ships। ships जो होते हैं, ships पर जो व्यक्ति काम करता है उसको लोड करता है और अपलोड करता है।
उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ठीक है? तो इस व्यक्ति के लिए जो वर्ड है वो है स्टीप डोर। स्टीप डोर इसको हम बोलेंगे, जैसे आपने यदि दीवार मूवी देखी हो अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो स्टीप डोर का ही रोल था दीवार मूवी में, ठीक है? अ लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अपलोडिंग शिप्स। तो स्टीप डोर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपने ई कोर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ करवाता हूँ, तो आप हमारा ई कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप श्योर सक्सेस चाहते हैं इंग्लिश में और करंट अफेयर्स में, एसएससी एग्ज़ाम में। तो उसमें ई कोर्स में अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको। मधु अलोंग विद हर सिस्टर लेफ्ट फ्रॉम इटली लास्ट सैटरडे, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए लेफ्ट यहाँ पर एक वर्ड आया है, लेफ्ट का एक्चुअली मतलब क्या है? किसी जगह से, किसी जगह को छोड़ देना, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे डिपार्ट फ्रॉम, डिपार्ट फ्रॉम, ठीक है? तो इसमें फ्रॉम जो है वो पहले से ही लगा हुआ है, डिपार्ट फ्रॉम। लेफ्ट का मतलब होता है डिपार्ट फ्रॉम, तो इसलिए लेफ्ट के साथ हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है? किसी स्थान को छोड़ देना उसको हम बोलते हैं लीव या लेफ्ट, और लेफ्ट का अर्थ होता है डिपार्ट फ्रॉम, तो इसलिए इसमें फ्रॉम नहीं आएगा। ये है इसका एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर इसका पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अर्जेंट सो वी रीच्ड एट द ऑफिस अर्ली, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। रीच का क्या अर्थ है? रीच का अर्थ होता है अराइव एट, किसी जगह पर पहुंच जाना, अराइव एट। तो इसलिए रीच के बाद हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, और बी इसमें गलती है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। रीच का अर्थ होता है अराइव एट, इसलिए इसके बाद हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हैज़ शी फिनिश्ड टू स्पीक इन द सेमिनार, क्या गलती हो सकती है इसमें? देखिए हैज शी तो सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका स्टॉप हुआ, अवॉइड हुआ, एन्जॉय हुआ, प्रैक्टिस हुआ, फिनिश हुआ, इन सभी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिनिश्ड टू स्पीक नहीं आएगा, फिनिश्ड स्पीकिंग आएगा, और बी जो है इसमें आपका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे वर्ड दिए हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, इन्जॉय है, प्रैक्टिस है, स्टॉप है, अवॉइड है, माइंड है। माइंड एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, नेगेटिव और क्वेश्चन में रिस्क है, ठीक है, फिनिश है। तो ये कुछ वर्ड आपको याद होने ही चाहिए, इन इन वर्ड्स पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में। इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है? इनके बाद यदि दूसरी वर्ब कोई आती है, तो जैसे प्रैक्टिस एक वर्ब है, और इसके बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आएगी तो उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिनिश एक वर्ब है और इसके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो उसके बाद उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो फिनिश्ड जो है यहाँ पर इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ लायर इज ए डेंजर टू द सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर किस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर सोसाइटी तो है नहीं, ये एक जनरल टर्म है, तो इसलिए ए लायर तो सही है, डेंजर सही है, डेंजर के बाद टू भी सही है, लेकिन सोसाइटी से पहले दा इसमें सही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए पर्टिकुलर सोसाइटी। तो इसलिए यहाँ पर सी आपका जो है वो सही आंसर होगा। ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑन एवरी मंडे आई गो टू द चर्च, देखिए ये इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे स्कूल हुआ, चर्च हुआ, ठीक है, आपका टेम्पल हुआ, हॉस्पिटल हुआ। इन सभी को यदि हम इसके प्राइमरी पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी पर्पज का अर्थ होता है कि उसको हम जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। ऑन एवरी मंडे आई गो टू चर्च, और ये चर्च जो है ये कोई सा भी हो सकता है, इट्स नॉट ए पर्टिकुलर चर्च, ठीक है? और यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे कल चर्च पर मिलूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी, वहां पर मैं चर्च को एक बिल्डिंग की तरह यूज करूंगा,
ठीक है, तो उस सेंस में फिर चर्च से पहले दा नहीं आएगा। लेकिन यदि प्राइमरी पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इनको, चर्च को, टेम्पल को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, तो उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर हम प्राइमरी पर्पस के लिए चर्च को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए चर्च से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। यदि सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो दा का प्रयोग इनसे पहले होगा, चर्च से पहले, हॉस्पिटल से पहले, टेम्पल से पहले, स्कूल से पहले। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 15 क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आप हमारा यदि ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर आप देख लें, वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।